तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग बात करेंगे, क्या एक BAMS डॉक्टर को BAMS कंप्लीट करने के बाद तुरंत से क्लिनिक खोलना चाहिए या फिर कुछ समय वेट करना चाहिए। तो गाइस, 5.5 साल का ये कोर्स होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको 2-3 साल खुद पे वर्क करना चाहिए, अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। देखिए, अगर आप MBBS डॉक्टर हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी निकलती हैं और बहुत सारा वैकेंसी उनका खाली रहता है। अगर आप आज रिजाइन दे देते हो तो 1 हफ्ता बाद फिर से ज्वाइन कर सकते हो। MBBS डॉक्टर के लिए तो ऐसा है अपने इंडिया में, बट BAMS डॉक्टर के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप रिजाइन दे दिए मतलब आपका जॉब गया। और किसी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल या फिर छोटे या फिर नर्सिंग होम में अगर आप काम करते हैं, किसी डॉक्टर के अंडर में रह के काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना सैलरी मिल जाएगा? 10,000-15,000, मैक्सिमम 20,000 दे देंगे, उससे ज़्यादा तो मिलता नहीं है गाइस। और उसके साथ वहाँ रहना, खाना और उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ आपको झेलना पड़ेगा। तो होता यह है कि जब BAMS कंप्लीट होता है तो मोस्टली डॉक्टर लोग यही सोचते हैं कि कंप्लीट हुआ है, डायरेक्ट क्लिनिक खोल लेते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ जो डॉक्टर होते हैं वो सोचते हैं कि हॉस्पिटल में ही रह लेते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा रास्ता बताने वाला हूँ। अगर आप BAMS, BHMS, BUMS या फिर BNYS किसी भी कोर्स को आप अगर करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस कोर्स को करने के बाद क्या करें क्या ना करें, सबसे पहले गाइस अपने दिमाग में आप अच्छे से डाल लीजिए कि जॉब तुरंत से नहीं मिलता है। अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो बहुत टाइम लगता है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिलेगा तो आपके घर वाले आपको प्रेशर देंगे, और प्रेशर जब बढ़ेगा तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उस प्रेशर से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि BAMS की डिग्री या BHMS, जो भी आयुष विभाग से जो भी डिग्री आप कर रहे हो, तो आपको करना यह है कि 5.5 साल अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना आप सीखना चाहते हो इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में और आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों के बारे में, अच्छे से आप सीखिए। क्षार सूत्र, अग्निकर्म, पंचकर्मा, सभी चीज़ को आप अच्छे से सीखिए। कम से कम 5.5 साल का कोर्स है, तो आप उसके बाद 3-4 साल और टाइम दीजिए, बाहर ही रहिए। एक बैग आके एकदम से क्लिनिक मत खोलिए, क्योंकि होता यह है कि आप डिग्री कंप्लीट किए, घर वाले लोग पैसा दिए, पैसा देने के बाद आप 6 महीना साल भर आप ट्रेनिंग में जो सीखे वो सीखे, उसके बाद आके आप एकदम से क्लिनिक खोल दिए। होता यह है कि उसके बाद आपके पास उतना इनकम सोर्स नहीं रहता है। क्लिनिक में आके आप बैठ जाएंगे तो आपको कोई जानेगा नहीं, जगह नया होता है, नए लोग होते हैं, नया चेहरा होता है, आपके पापा का, अंकल का कितना भी परिचय रहे, बट आप अगर सही ट्रीटमेंट देंगे तभी तो आपके पास पेशेंट आएंगे ना, ऐसे तो पेशेंट आएंगे नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मिस्टेक सभी करते हैं। डिग्री कंप्लीट, डायरेक्ट आके क्लिनिक नहीं खोलना है, 3-4 साल टाइम देना है, अपने अकाउंट में बैंक में कम से कम बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि गाइस, करना खुद को ही है, कोई साथ नहीं देता है। एक चीज़ आपको माइंड में जरूर रखना ज़रूरी है, आपको खुद ही सब कुछ करना है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता है, घर वाले भी सब साथ छोड़ देते हैं, बाहर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, आपको खुद ही सब कुछ करना है। इसलिए यही सोच के डिग्री अगर आप कर रहे हो और सोच रहे हो कि तुरंत से क्लिनिक खोल लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो अपने दिमाग से हटा दो। पहले डिग्री को अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके बाद 4-5 साल टाइम दीजिए खुद के ऊपर, पंचकर्मा का डिप्लोमा कीजिए, केरल चले जाइए, वहां से कुछ स्पेशल सीख के आइए। क्योंकि अपने इंडिया में जानते हो आप, आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, सब चीज़ का मतलब जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू बराबर नहीं है। MBBS का वैल्यू अलग है, BAMS का वैल्यू अलग है, BDS डॉक्टर का अलग है, बट आप खुद में इम्प्रूवमेंट करके कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्लिनिक खोलना आसान बात है, बट क्लिनिक चलाना बहुत मुश्किल बात है। जो झेल रहा होता है वो उसी को पता होता है, और किसी को नहीं पता होता है गाइस। तो बस बात वही है, होता यह है कि जब नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, अगर मान लीजिए नीट में अच्छा नंबर नहीं आया, घर वाले लोग सोचे रहते हैं हाँ डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लड़के को डॉक्टर बनाना है, बट अगर डॉक्टर नहीं बन पाया, मान लीजिए MBBS नहीं मिला, तो फिर BAMS, BDS ये सब रहता है, तो फिर आपको ना चाह के भी फिर ये सब करना पड़ जाता है। या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़िए तो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट सीट ले लीजिए MBBS का,
या फिर अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बनना चाहते हैं या फिर बीडीएस करके डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए भी तो एग्जाम लिखना ही पड़ेगा नीट का। एग्जाम लिखने के बाद ही आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आज के वीडियो का मेन पर्पज यही था गाइस, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते आपको बताना ये जरूरी है कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद तुरंत से क्लिनिक नहीं खोलना है, 5 साल खुद के ऊपर काम करना है, उसके बाद ही क्लिनिक खोलना है खासकर। और एक चीज और ध्यान रखना है, छोटे जगह पे क्लिनिक नहीं खोलना है। जैसे ये जगह बैकुंठपुर, ये जगह ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इनकम नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हॉस्पिटल ही नहीं है तो इनकम करोगे कहाँ से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वैकेंसी निकलेगा नहीं, जॉब आप कर नहीं सकते। आपके पास कितना भी टैलेंट रहे आप बेकार हो और कोई नहीं समझता है गाइस। इसलिए खुद के ऊपर ध्यान रखिए, हेल्थी रहिए, और जहाँ पे भी आप ड्यूटी करते हो हॉस्पिटल में या फिर आप पढ़ रहे हो कॉलेज में हो, तो इन सभी बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा और अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।